नमस्कार, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं तथा किस प्रकार हम मार्कशीट डाउनलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर लगातार ऐसी ही नई नई अपडेट आती रहती हैं, जिसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार सभी प्रकार की अपडेटें निरंतर आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन कर लेना है और हमें यहाँ टाइप करना है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और हम दोस्तों सर्च कर देंगे। सर्च करने नेक्स्ट पेज हमारा इस तरह ओपन हो जाएगा। हमें इसे थोड़ा नीचे खिसकाना है। नीचे खिसकाने के बाद हमें यहाँ सामने दिख जाएगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, यहाँ लिखा है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। हमें दोस्तों इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और आगे का पेज हमारा इस तरह ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ इस पर क्लिक करना है तीन बिंदी पर और हमें इसे डेस्कटॉप में कर लेना है, डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। चलिए हम इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं और दोस्तों हमें इसे पहले हटा देंगे। हटाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ नीचे इसे थोड़ा खिसकाना है। खिसकाने के बाद सामने देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन रिजल्ट। दोस्तों हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आगे का पेज ओपन हो जाएगा, जो आप सामने देख रहे हैं इस तरह हमें आगे का पेज दिखाई देगा। दोस्तों हम दोबारा यहां तीन बिंदी पर जाएंगे और हम दोस्तों डेस्कटॉप साइड में इसे फिर ओपन कर लेंगे। दोस्तों डेस्कटॉप साइड में ओपन करने के बाद हम थोड़ा इसे नीचे खिसकाएंगे और दोस्तों यहाँ आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है रिजल्ट कैटेगरी। दोस्तों हमें यहाँ इस पर क्लिक करना है प्लीज सेलेक्ट पर। दोस्तों यहाँ UG, PG, UTD, IODE, PhD, MPhil। दोस्तों यहाँ जैसे हम PG पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ PG में हमें थोड़ा रुकना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी हो, जो भी कैटेगरी हो, आप उसे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों PG में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप सामने देख रहे हैं, यहाँ लिखा है एक नंबर पर PG डिप्लोमा, उसी के नीचे लिखा है MPD और उसी के नीचे ये दोस्तों सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमें दिख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे इन 10ों में नहीं आ रहे हैं तो आप सामने देख रहे होंगे यहाँ लिखा है 2 नंबर, दोस्तों हमें इस 2 नंबर पर क्लिक करना है। दोस्तों तो जो आगे जो भी रिजल्ट होंगे वो भी हमें सामने देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम PhD कोर्स वर्क का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी आप चेक करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आगे का पेज हमें इस तरह दिखाई देगा। आप यहां सामने देख रहे होंगे यहां लिखा है एंटर रोल नंबर, तो दोस्तों आप अपना रोल नंबर डाल लें। दोस्तों मैं यहां अपना रोल नंबर डाल लेता हूं और आपको आगे दिखाता हूं कि हमें आगे किस तरह दिखाई देगा। दोस्तों नेक्स्ट पेज हमारा इस तरह ओपन हो जाएगा। हमें सामने एग्जामिनेशन नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी जानकारी हमें सामने देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम अपनी मार्कशीट देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी मार्कशीट हमें दिख जाएगी। तो हमारा रिजल्ट दिख चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार समय पर सभी अपडेट आती रहती हैं। धन्यवाद।